जय माता दी दोस्तों वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संतान सप्तमी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए यानी संतान सप्तमी के व्रत में खान पान का नियम क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है ये व्रत संतान की प्राप्ति उसकी कुशलता और उन्नत के लिए किया जाता है जिन महिलाओं के संतान नहीं हैं उन्हें इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए इससे उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है दोस्तों ये व्रत स्त्री पुरुष अर्थात माता पिता दोनों ही अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रख सकते हैं इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें ध्यान रहे जब तक आप संतान सप्तमी की पूजा ना कर लें तब तक आपको निर्जल और निराहार ही रहना है पूजा होने के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं पूजा से पहले भोग प्रसाद बनाया जाता है इसमें कुछ लोग खीर व पूड़ी का भोग लगाते हैं तो कुछ लोग गुड़ या शक्कर के मीठे पुए बनाते हैं तो आपके यहाँ जिस चीज़ का भोग लगता है वह बना लें ध्यान रखें कि इस दिन नमक का सेवन वर्जित है तो मीठा ही भोग प्रसाद बनेगा दोस्तों संतान सप्तमी की पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए पूजा के भोग प्रसाद में सात सात पुए चढ़ाए जाते हैं जिसमें से सात पुए माता पार्वती के होते हैं जो पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दान कर दिए जाते हैं और दूसरे सात पुए स्वयं के होते हैं जो पूजा के बाद खुद को खाने होते हैं आपको बता दें कि संतान सप्तमी के व्रत में बहुत से लोग एक टाइम फलाहारी भोजन और एक टाइम मीठा भोजन यानी प्रसाद में चढ़ाई गई सात मीठे पुए ही खाते हैं लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पूजा के बाद सिर्फ पूरा दिन में यही सात पुए खाने होते हैं इसी से ही व्रत खोला जाता है अगर आप अकेले ये सात पुए ख़त्म नहीं कर पा रही हों तो फिर आप अपने पति को भी ये कुएँ खिला सकती हैं लेकिन अपने सात पुओं से आप अपने बच्चों या घर के किसी अन्य सदस्य को नहीं दे सकती हैं इसका ध्यान रखें और यदि फिर भी आपसे पुए बच जाएं, तो फिर आप गाय को खिला सकती हैं एक बात बता दूं कि संतान सप्तमी के व्रत में व्रती को नमक नहीं खाना होता है सिर्फ मीठा भोजन ही किया जाता है लेकिन किसी को अगर कोई हेल्थ इशू है तो सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और कुछ लोग एक टाइम फलाहारी भोजन करते हैं तो वह पूजा करने के बाद पानी चाय जूस दूध फल ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं इसके अलावा भी आप समा के चावल साबूदाना की खीर आदि बना के भी खा सकते हैं या इसके अलावा कुट्टू या सिंघाड़े के आटा की पूड़ी भी बना के खाई जा सकती हैं आप दही खोया पनीर खोए की मिठाई आदि भी खा सकते हैं बस ध्यान रखें कि इस दिन आप प्याज लहसुन मूली नींबू मांस अंडा मछली या मदिरा आदि का सेवन गलती से भी ना करें इससे आपका व्रत निष्फल हो सकता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद